हाय ब्यूटीफुल सोल फैमिली फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस ब्यूटीफुल फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। फ्रेंड्स, ये फैमिली ब्यूटीफुल है क्योंकि आप सभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और आज हम एक और मैसेज देखेंगे यूनिवर्स का, डिवाइन का, कि हमें क्या बताना चाहते हैं डिवाइन इस वक्त। और ये टाइमलेस रीडिंग होती है, जब कभी भी ये रीडिंग आपके सामने आए तो ये आपके लिए हो सकती है। और फ्रेंड्स, जैसे कि मैं अपनी थेरेपीज के बारे में भी थोड़ा सा बताती हूँ, तो मैं आज उनको बताना चाहूँगी जो पेरेंट्स हैं, जो भी पेरेंट्स मेरे इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, अगर आपके रिलेशनशिप आपके बच्चों के साथ इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, यू नो, बच्चे बात नहीं सुनते हैं और जो थोड़ी बहुत मतलब झगड़े या आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट करें। और बहुत ब्यूटीफुल थेरेपी है पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप हीलिंग थेरेपी, और ये करके आप इस रिश्ते को और प्यारा बना सकते हैं। तो ये था कुछ मेरे थेरेपीज के बारे में, और अब हम देखते हैं कि यूनिवर्स हमें क्या कहना चाहते हैं। वैसे मैं सभी पेरेंट्स को यही कहूंगी कि जो बच्चे होते हैं ना हमारे, वो बहुत प्रेशियस गिफ्ट होते हैं यूनिवर्स का। और कई बार तो हम उस गिफ्ट को खोलना भी भूल जाते हैं और बस उसके कवर को देख करके पूरी जजमेंट्स कर लेते हैं। फ्रूविजन, विजडम, एक्सट्रीम्स, रियलाइजेशन, केयर। तो यहां पर जो आज का मैसेज है फ्रेंड्स, आप लोगों ने जैसे बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, जो भी जिनके लिए ये रीडिंग है। देखिए, रीडिंग्स हमेशा जो जनरल रीडिंग्स होती हैं वो 100% लोगों के लिए नहीं हो सकती हैं, लेकिन जिनके साथ रेजोनेट करती है तो आप लोग इसे ले लें, और नहीं भी करती है तो कोई और रीडिंग देख सकते हैं जो आपके साथ रेजोनेट करे। तो ये जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जिनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखा है लाइफ में, ठीक है, एकदम जैसे एक्सट्रीम्स में आपने हो सकता है जैसे किसी ने बहुत ज़्यादा गरीबी देखी हो, या बहुत ज़्यादा अमीरी देखी है, या बहुत ज़्यादा बड़ा हार्ट ब्रेक, कुछ भी, मैंने हार्डशिप्स जो कहते हैं, जिन्हें हम हार्डशिप्स और स्ट्रगल्स कहते हैं, तो आप लोगों ने वो स्ट्रगल्स देखा है। और आप लोगों ने जैसे वो अवेयरनेस को महसूस किया, आप लोग सेल्फ अवेयर बने हैं, अपने खुद के साथ आपने वर्क किया है, और आपने जैसे अपनी जर्नी को रियलाइज किया है, अपने स्पिरिचुअल पाथ को आपने रियलाइज किया है। और जैसे ये हार्डशिप्स ने आपको जो है रियलाइजेशन की तरफ डाला है। जैसे आप हो सकता है कि बहुत सारी जो मुसीबतों के सामना करने के बाद आप जैसे अपने क्या कहते हैं, आपको वो नॉलेज मिली है कि आपको स्पिरिचुअल पाथ पर जाना चाहिए, और सेल्फ जैसे सोल सर्चिंग, खुद की खोज की है आप लोगों ने, ठीक है, बहुत सारी विजडम गेन की है। तो ये वो मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने ये सारी चीज़ें की हैं, जिन्होंने बहुत एक्सट्रीम्स में हर चीज़ को देखा है, बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और विजडम गेन की है, और अब जैसे आप सही रास्ते को पहचानते हैं, अपने बारे में बहुत कुछ जानते हैं, ठीक है, आपने जैसे एक खोज की है अपने बारे में, खुद के साथ बैठ कर अपने साथ वक्त बिताया है, बहुत सारी विजडम गेन की है और अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हुए हैं। तो अब यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आपने इतनी सारी जो मेहनत की है, अब उसका रिवॉर्ड मिलने का टाइम आ गया है। सो टाइम टू गेट द रिवॉर्ड, ओके। तो ये था आज का मैसेज, बहुत ही प्यारा मैसेज है, और थोड़ा इसे क्लैरिफाई करेंगे। आज मैं
ओके इसे और थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं। आज का मैसेज यूनिवर्स हमें क्या रिवॉर्ड्स दे रहे हैं, ये सारी मेहनत का रिवॉर्ड मिल तो रहा है और क्या रिवॉर्ड मिल रहा है। द क्रिएटर, द सोर्स, ब्रेक थ्रू, गोइंग विद द फ्लो, अंडरस्टैंडिंग। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर ना आप बहुत ही ब्यूटीफुल रिवॉर्ड्स रीप कर रहे हैं। ठीक है, हम इस कार्ड से स्टार्ट करते हैं। आप खुद में एक मास्टर बन रहे हैं। ठीक है, अभी जो भी आप करेंगे अपनी इनर विजडम को यूज करके करेंगे और हर चीज में, जैसे आप जो भी करेंगे बहुत जबरदस्त इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रांग होने वाली है और आप बहुत ही अंडरस्टैंडिंग के साथ करेंगे, बहुत विजडम के साथ करेंगे और आप जो है अब इस वर्ल्ड को अपनी लाइट देंगे। ठीक है, पहले ये लाइट आपने अपनी मेहनत से अपने अंदर जागृत की है और अब आप दुनिया को लाइट देंगे। आप सोर्स से कनेक्टेड है फ्रेंड्स, आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड है। आप लोग बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हो जाएंगे और ज्यादा अपने आप से कनेक्ट करेंगे और ज्यादा आप में से कई लोग चैनलिंग करेंगे, कई लोग जैसे और ज्यादा आप फ्यूचर को देख पाएंगे। आपकी थर्ड आई जैसे बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो इस तरह की चीजें आपके साथ होंगी जो आपको सोर्स से कनेक्टेड रखेगी। ठीक है, और आप जो हैं अपने आप को बहुत ब्लेस महसूस करने वाले हैं। आप अपने आप में जैसे एक गुरु बन रहे हैं और बहुत सारे व्यूअर्स को एक जबरदस्त ब्रेक थ्रू मिलने वाला है। यानी ये एक मेजर अरकाना कार्ड है तो मेरे बहुत सारे व्यूअर्स को ये मिलेगा। ये एक तरह का जैसे बहुत सारी मुश्किलों के बाद एकदम से एक वक्त आता है जब हम बिल्कुल जैसे हम सोचते हैं कि बस अब बहुत हो गया, तो कुछ इस तरह की स्टेज आएगी और आप एकदम से अपने इस मुश्किलों से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, आप में इतनी पावर आ जाएगी, आपको यूनिवर्स इतनी पावर दे रहे हैं यहाँ पर कि आप अपनी सिचुएशन को एकदम से चेंज कर देंगे। और या फिर कुछ लोगों के पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जो आपकी लाइफ में एक एक नया मोड़ ले आएगी, एक न्यू ब्रेक थ्रू आपको मिल जाएगा वहां से। और आप ज्यादा मेहनत नहीं करने वाले अब फ्रेंड्स, ये देखिए गोइंग विद द फ्लो, आपने बहुत आराम से चीजों को अब हासिल कर लेना है। आपकी इच्छाएं जो थी, आपने जिन चीजों के लिए मेहनत इतनी ज्यादा की है यहाँ पर, ये सब बहुत आराम से आपको अब यूनिवर्स प्रोवाइड करने वाले हैं। यूनिवर्स ने आपका सुन लिया है और आपके लिए जैसे ये कहते हैं ना, आपको एक न्यू तरह की पर्सपेक्टिव होगी आपकी, आपका नजरिया ही बदल जाएगा दुनिया को देखने का। और आप जिस किसी चीज में भी अपने आप को जैसे बंधा हुआ महसूस कर रहे थे या जैसे आप बहुत कुछ करना तो चाहते थे, फ्रीडम भी चाहते थे, जैसे हम सभी फ्रीडम चाहते हैं फ्रेंड्स, हम फ्री स्पिरिट्स बनना चाहते हैं, तो अब वो मौका आपको मिल जाएगा। अब आपको समझ आएगा कि ये सारी चीजें आप ही के दिमाग की उपज थी। ऐसा कोई पिंजरा नहीं होता जिसमें हमें कैद किया जाता है, ये हमारे दिमाग में होता है ये पिंजरा। तो आपको वो एक न्यू अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और आप इस पिंजरे से बहुत आसानी से बाहर आ जाएंगे। तो हर एक के लिए सिचुएशन अलग अलग भी हो सकती है, ठीक है, और या फिर किसी के साथ बहुत सारी चीजें हो सकती। तो ये सारे रिवॉर्ड्स आपकी लाइफ में अब आ सकते हैं। बहुत अच्छा मैसेज है आज का और हम जो है तैयार हो जाते हैं अपने अपने रिवॉर्ड्स को रिसीव करने के लिए। तो अब हम देखेंगे जो लोग स्पेसिफिक
आज मैं यहाँ पर कोई लव सिचुएशन या यू कहे कि सक्सेस के लिए, आपके करियर के लिए या हेल्थ के लिए नहीं, मैं आपके लिए बस यूं ही तीन स्पेसिफिक मैसेजेस अभी निकालूंगी, तो वो आपकी किसी भी सिचुएशन के लिए हो सकता है। तो देखते हैं कौन सी सिचुएशन के लिए आता है। आज हम बस ऐसे ही ब्लाइंडली किसी सिचुएशन के लिए आपका निकालते हैं, आपकी स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए, ये कुछ भी हो सकता है। देखते हैं यूनिवर्स क्या गाइडेंस देते हैं। मैं तीनों कार्ड्स निकाल लेती हूँ और फिर बताती हूँ। ब्लॉसमिंग एबंडेंस, द थिंकिंग मैन, एक और निकाल लेते हैं। ऑल टाइड अप, तो तीन बहुत ज्यादा स्पेसिफिक मैसेजेस है यहां पर। तो यहां हमें तीनों सिचुएशंस के लिए कार्ड्स मिल गए हैं फ्रेंड्स। ये पहला कार्ड जो ब्लॉसमिंग एबंडेंस, ये हमें बता रहा है कि आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं, जो आपने मेहनत की है आज तक अपने काम के लिए, अपने करियर के लिए, किसी नए काम को शुरू करने के लिए या फिर पुराने काम को रिवाइव करने के लिए, तो जो भी आपकी मेहनत है वो अब बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएगी और आपका जो है काम एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचेगा। आपका करियर, बहुत सारी वेल्थ एंड अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली है। आपका जैसे आपका करियर एक नेक्स्ट लेवल पर जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और आप हो सकता है आप जैसे बहुत अपने काम को बहुत फैलाएंगे जो इस वक्त शायद सीमित है, तो ये करियर के लिए बहुत अच्छा कार्ड है। जो ये बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए होगा जो अपना काम इस वक्त शुरू कर रहे हैं, नया काम, या फिर काम में कुछ ग्रोथ चाहते हैं और या फिर पुराने काम को रिवाइव कर रहे हैं। तो जो भी आप कर रहे हैं और अगर आपने उसके लिए मेहनत की है तो आपको जो है रिवॉर्ड्स रीप करने का टाइम आ गया है। और ये जो थिंकिंग मैन है, ये बहुत हद तक लव सिचुएशन के लिए रहेगी। जो लोग अकेले अपनी जर्नी को जी रहे हैं और वेट कर रहे हैं किसी पार्टनर का, तो ये पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे जो बहुत सारा विजडम और बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग, आपके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट बनकर आएंगे और ये आपकी लाइफ को बदलेंगे। ये आपकी लाइफ को एक बहुत ब्यूटीफुल डायरेक्शन में लेकर जाएंगे और यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आप इनकी विजडम को यूज करें, ठीक है। ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा, आप इनकी विजडम को यूज करें। और जो लोग जैसे बहुत बंधे हुए महसूस कर रहे हैं, मायूस हैं, हो सकता है अपनी हेल्थ सिचुएशन अच्छी नहीं है, आपके डिप्रेशन में हैं आप, या आपके चारों तरफ आपको ऐसे लग रहा है बहुत नेगेटिव एनर्जी है, बहुत स्टक एनर्जी है, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि आप अपनी सिचुएशन को एक बार और ध्यान से देखें, कहीं आप अपने दिमाग में ही तो नहीं है, यानी आपने एक जो इमेजिनरी जाल तो नहीं बनाया हुआ। बिकॉज ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि आप खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपनी सिचुएशन के लिए। आप खुद देखें कि आप जो हैं शायद अपने दिमाग में ही स्टक हैं, तो आप उससे आसानी से निकल सकते हैं। तो आपको यूनिवर्स ये बता रहे हैं यहाँ पे फ्रेंड्स कि आपको स्टक रहने की जरूरत नहीं है, आप खुद उससे बाहर आ सकते हैं। आप बस कनेक्ट करें अपने साथ, और अगर आपने जैसे दिल से प्रेयर किया है या बहुत कहते हैं कि इनर वर्क किया है या कुछ अपने ऊपर जैसे आपने कुछ चिंतन किया है खुद का, यहाँ मैं चिंता की बात नहीं कर रही फ्रेंड्स, चिंतन की बात कर रही हूँ, तो आप खुद समझेंगे कि आपकी ये सिचुएशन क्यों है, क्योंकि हर सिचुएशन को हम खुद ही अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर आप टाइड अप फील कर रहे हैं तो आप खुद देखिए कि आप क्यों टाइड अप फील कर रहे हैं और आपको आपका सॉल्यूशन
मिल जाएगा। तो यहाँ यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि आप अपने सॉल्यूशन को खुद ही ढूंढ सकते हैं। तो बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस तीनों के लिए यहाँ पर आए हैं, ब्यूटिफुल। और अब हम यस एंड नो निकालते हैं। तो आप अपने क्वेश्चन को फ्रेम कर लें फ्रेंड्स। हम यहां पर यस एंड नो आंसर निकालेंगे। ओके। और प्लीज मायूस मत हो, अगर आपका जो मन चाहा आंसर नहीं आता है, इसका मतलब यही है कि अभी और थोड़ा वक्त है, इस वक्त वक्त नहीं आया है। ठीक है, तो सब टाइमिंग की बात होती है, एनर्जीज चेंज होती रहती हैं। ऑलराइट, नो, फर्स्ट आंसर हमारा नो है। एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं एक और आंसर निकाल रही हूं। ओ यस, ओके। तो सेकेंड आंसर हमारा यस आया है। तो अपनी सिचुएशन से आप इसे मैच कर लें। अगर आपका आंसर आपके इच्छा के अनुसार आया है तो बहुत अच्छा, अगर आपकी इच्छा से नहीं तो डिवाइन की इच्छा से है, तो उसे कबूल करें और कुछ दिनों बाद दोबारा चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहने के लिए। मोर लव एंड लाइट टू ऑल ऑफ यू।